गाइस वेलकम टू सेट टू ऑफ जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज बाय मी इकबाल वानी एंड यू आर वाचिंग दिस ऑन आर के एजुकेशन सो बिफोर वी प्रोसीड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन आपसे कहता है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग लिक्विड इज दोस्तों आपको बताना है हीट जो होती है इसका कंडक्टर लिक्विड में बेस्ट कंडक्टर कौन है देखिए अगर मैं बात करूं इसका सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है एजी एजी का मतलब क्या है बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाँ सिल्वर नाउ सिल्वर चूंकि बहुत ज्यादा महंगा होता है अब हम सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर का लेकिन आपको लिक्विड में बताना है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग लिक्विड इज आपके ऑप्शन है वॉटर मरकरी ईथर या एल्कोहल तो अटेम्प्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को इन द कमेंट सेक्शन बिलो और बाय द वे इसका सही आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर है मरकरी और मरकरी की फॉर्मूला है एच जी आपको पता ही होगा कि मरकरी का इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर में क्योंकि ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है अमंग लिक्विड तो दोस्तों अमंग लिक्विड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज मरकरी याद रखिए मरकरी का जो सिंबल होता है वो है एच जी मैंने ही कहा और याद रखिए जो ग्रीक नेम मरकरी का है वो है हाइड्रा जहां से इसका सिंबल अब कहो कि सर मरकरी तो एम ई आर सी आर वाई है अब सिंबल इसका एच जी क्यों है आज आपका ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया कि जो ग्रीक नेम है मरकरी का वो हाइड्रा गायरम है जहां से इसका सिंबल लिया जाता है दोस्तों एटॉमिक नंबर है इसका 80 मरकरी का एटॉमिक नंबर है 80 एटॉमिक मास है इसका 200 यूनिट्स और याद रखिए इट इज द ओनली मेटल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आ गया समझ और याद रखिए इट्स ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड सिल्वर और इसका इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर्स में बिकॉज इट कैन रिकॉर्ड द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर्स नौ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ये सवाल आप किसी भी एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल इन वॉलेंट्री एक्शन यानी आपको बताना है नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट इन वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है आपको पता ही है इन वॉलेंट्री एक्शन सिंपल में अगर कहूँ जो खुद होती है फॉर एग्जाम्पल आप सांस लेती हो हाँ आप सांस को रुका सकते हो लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं वरना आप खुद ऊपर चढ़ जाओगे तो ये इनवॉलेंट रिएक्शन है जिस तरह हार्ट बीट होती है ये खुद होती है कॉन्शियसनेस के साथ तो इसको हम कहते हैं इनवॉलेंट वॉलेंट्री नाउ ना किस हिस्से के द्वारा इनवॉलेंट वॉलेंट्री को कंट्रोल किया जाता है तो ऑफ के ऑप्शन है मेडुला ओब्लोंगेंटा सेरिब्लम हाइपोथैलेमस या स्पाइनल कॉर्ड तो दोस्तों इसका सही आंसर है मेडूला ओबलंगेटा मेडूला ओब्लोंगेटा दोस्तों याद रखिए जो मिडिला उब्लंगेटा होता है ये पार्ट होता है आपके ब्रेन का आपके दिमाग का ही एक हिस्सा होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग ऑल द इन वॉलेंट्री एक्शन आपको पता ही है कि जो ब्रेन है इसके थ्री डिफरेंट पार्ट्स हैं फिर इनको डिवाइड किया है फर्दर इन टू सर्टेन रीजनज डिपेंडिंग अपॉन देअर लोकेशन एंड फंक्शन और हर रीजन जो ब्रेन का होता है वो प्ले करता है एक स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट रोल ना अगर मैं बात करूं मेड्यूला की तो मेड्यूला इज दैट रीजन ऑफ द हाइंड ब्रेन जो लोकेटेड है बिलो द मिड ब्रेन और उसके बाद नीचे से नीचे से आती है स्पाइनल कॉर्ड जो परफॉर्म करती है फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड कैरिंग आउट द रिफ्लेक्स एक्शन इन द बॉडी नाव आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिहेव केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल नो अगर कोई एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल की तरह बिहेव करे तो उसको हम कहते हैं मेटेलॉइड क्या कहते हैं मेटेलॉइड आप थोड़ा मेरे इस पेन के ऊपर मत जाएगा ये जुगाड़ के साथ मैं लिख रहा हूं तो मेटेलॉयड तो मेटेलॉइड कौन होते हैं आपके ऑप्शन है ऑर्गोन कार्बन जिनोन या फिर बोरान तो लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसका आंसर अगर हम देखें दोस्तों इसका सही आंसर है बोरॉन तो बोरॉन क्या है ये केमिकल एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है फाइव और याद रखिए इसका सिंबल है बी ये सिंबल है बी इसका और ये एक लो एबंडेंस मेटल एलिमेंट है इन द सोलर सिस्टम या अर्थ में और इसीलिए इसका इसका ये है कि ये फॉर्म ये कैप प्रॉपर्टी है कि ये केमिकली दोनों मेटल भी है और नॉन मेटल भी है इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे मेटल नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों यहाँ पर आपको कहना है कि द एब्सोल्यूट ज़ीरो एब्सोल्यूट जीरो ये कौन सा टेम्परेचर होता है दोस्तों द एब्सोल्यूट जीरो इज टेम्परेचर एट विच आपकी स्टेटमेंट है जहाँ पर मॉलिकुलर मोशन इन अ गैस वुड सीज या जो वाटर है वो फ्रीज होता है या सभी गैसेस सॉलिड बन जाती है या सभी गैसेस लिक्विड बन जाती है दोस्तों याद रखिए यहां पर क्या होता है जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है वो बंद हो जाती है तो इसका आंसर है ए मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड सीज नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों किडनी डिजीज इज मैन काजड बाय द पोल्यूटेंट किससे यह होती है आपके ऑप्शन है कैडमियम आयरन कोबाल्ट कार्बन तो किस पोल्यूटेंट से किडनी डिजीज होती है तो लिखिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर मैं कहूँ किडनी डिजीज के बारे में तो जो किडनी होती है ये वॉल है टू एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स ना अगर मैं बात करूँ इसमें से आंसर क्या है देखिए आपके ऑप्शंस हैं कैडमियम आयरन कोबाल्ट कार्बन तो याद रखिए जो हैवी मेटल्स होते हैं ये बेस्ट नोन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है जिससे कि किडनी डिजीज होती है ना यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं कैडमियम आयरन कोबाल्ट कार्बन देखिए मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा हमेशा याद रखिए एक तो होता है सी डी सी डी का मतलब है कैडमियम अब यहां पर कैडमियम आ गया तो इसका आंसर ए है लेकिन कैडमियम के अलावा भी कुछ और है फॉर एग्जाम्पल मरकरी है एच जी इसके अलावा पी बी है यानी लेड इससे किडनी डिजीज होती है अगर आप इसको कंज्यूम करोगे या इसके एनवायरमेंट में आ जाओगे तो आफ की डिजीज हो जाएगी किडनी डिजीज चलिए अगले क्वेश्चन की ओर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल्स ला दोस्तों इसका सही आंसर है स्कूबा डाइविंग स्कूबा डाइविंग इज़ द करेक्ट आंसर देखिए पास्कल्स ला का इस्तेमाल होता है वाटर टावर्स को डिज़ाइन करने के लिए लेकिन जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं पानी में जो तैरते हैं स्क्यूबिया उनको भी समझना चाहिए इस प्रिंसिपल को आगे समझ आपको इसका आंसर है स्कूबा ड्राइविंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके यहाँ पर इसके ऊपर हमारी कुछ फैकल्टीज भी बहुत ही जल्दी मैं उनको कहूँगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो लाए जो हमारी फिजिक्स की फैकल्टी होगी फास्ट क्लोज ला के ऊपर नाउ एल्बर्ट साइबिन इज नोन फॉर डेवलपिंग स्मॉल पॉक्स वैक्सीन पोलियो वैक्सीन पेंसिलिन या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देखिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन तो एडवर्ड जनरल के द्वारा लाई गई तो इसीलिए सैबिन वैक्सीन या पोलियो वैक्सीन एल्बर्ट साइबिन ने डेवलप की थी तो एल्बर्ट साइबिन ने कौन सी वैक्सीन डेवलप की थी पोलियो वैक्सीन च सेल्स इन पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन इंसुलिन किन सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो पेनक्रियाज मौजूद हैं तो उनको कहते हैं इजलैट्स ऑफ लैंगर हेंड्स इजलैट्स ऑफ लैंगर हैंड्स ना आप खुद देखिएगा थाइमस एस्ट्रोजनस कॉपस एपिडिमस इनकी फंक्शन क्या है लेकिन फिलहाल इजलैट्स ऑफ लैंगरहैम्स का काम है कि ये प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन ये वो सेल्स हैं जो पेनक्रियाज में प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन नाउ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर नौ इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा अटेम्प्ट कीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो और जिसका सही आंसर होगा उसका आंसर पिन किया जाएगा कमेंट सेक्शन में ताकि आपको वो पहले दिखे एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट यानी एलिमेंट एक ही है मान लीजिए कार्बन फॉर एक मिनट एक मिनट में पेन की इंक चेंज करता हूं दोस्तों मान लीजिए कार्बन है इस पर तो लिखना नहीं आता चलिए छोड़िए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों मान लीजिए कार्बन है कार्बन है कार्बन है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है सेम एलिमेंट के हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं क्या आई बार्स कहते हैं आईसो टोप कहते हैं क्या कहते हैं लिखिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो अभी के लिए यह है एंड इस वीडियो का थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल